नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा नाइन्थ गणित का वर्कशीट नंबर 7 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 19/7/2021 के लिए है। यह इसमें हम समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। समीकरण एक ऐसा गणितीय कथन जिसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है समीकरण कहलाता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण मुख्यतः ax प्लस बी इजकल टू 7 से दर्शाया जाता है। यहाँ a तथा b वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 नहीं है, यानी कोई भी देखिए ax प्लस बी इजकल टू 0, यहाँ पे x जो है जिसका मान वेरिएबल है, चेंजेबल है, बदलने वाला है, इसलिए इसका इसको हम चर कहते हैं। और समीकरण में जब ये बराबर का चिन्ह लगना जरूरी है, तराजू की तरह है, तराजू में जहाँ पे ये यहाँ पे आपको यहाँ तराजू में इस साइड आप किलो रखते हो और इस साइड आपको आलू चावल जो भी वजन करना है वो रखते हो, तो इस जब तक ये सही नहीं है, यहाँ पे बराबर नहीं है, तब तक ये आलू और किलो के बराबर नहीं होगा, या जो सामान ले रहे हो उसके बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए समीकरण भी इसी तरह है, इसमें ये चर पद है, चर राशि है, और ए और बी कोई संख्या है जहाँ पे ए 0 नहीं होगा। ए यदि 0 होगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तब बी बराबर 0 हो ही नहीं सकता है, तो ए 0 नहीं होगा, ए और बी कोई संख्या है, तो उसको समीकरण कहेंगे। ये रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण के बारे में भी बताया तो पहले भी आपको, यदि समीकरण का घात घात एक हो, यानी एक्स के पावर या वाई का पावर कुछ भी नहीं हो, तो वो रैखिक कहलाता है। घात दो हो, घात दो को द्विघात, और घात तीन को त्रिघात कहते हैं, इसको रैखिक कहेंगे, घात एक को रैखिक कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस समीकरण की तरफ चलते हैं। एक चर राशि x एक चर राशि है, केवल एक ही हल होगा क्योंकि रैखिक समीकरण है, तो इसका एक ही हल होगा। रैखिक समीकरण मतलब एक ही चर वाला है तो एक ही हल होगा। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात एक हो सकती है, बताया घात एक होगा तो रैखिक, घात दो होगा तो द्विघात। अब यहाँ पे 5x प्लस 3 इजकल टू 7 एक समीकरण है, तो बायां पक्ष कह रहा है 5 बराबर के इस साइड वाला बायां पक्ष, इस साइड वाला दायां पक्ष, और बराबर का चिन्ह समता का चिन्ह कहलाता है, ये दायां पक्ष, चर जिसमें घात x का घात एक है। अब सवाल की तरफ आते हैं, उदाहरण दिया हुआ है। यदि आपको लॉकडाउन में आपके द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या के दुगुने में 3 जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है, तो बताइए आप कुल कितने पौधे लगाए। माना कि लॉकडाउन में आपके द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम है लेकिन दूसरे को तो नहीं मालूम है, तो वो चर राशि हो गया। माना कि लॉकडाउन में के दौरान एक्स पौधे लगाए गए आपके द्वारा, तो क्या कह रहा है, संख्या में दुगुने में 3 जोड़ने पे, तो दुगुना एक्स को 2 से गुणा किए तो 2x, और जमा करने के लिए कह रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है, तो प्लस और 3, तो 9 प्राप्त होता है, तो बराबर 9, तो 2x। अब संख्या को हम एक साइड और चर वाले को एक साइड रखेंगे, 3 यहाँ पे, तो 3 का साइड चेंज किया तो 9 में से 3 गया, तो 6 हो गया, 2x बराबर में 6, तो x बराबर में 3। इस तरह से आपका आपने कितने पौधे निकाले थे, लगाए थे, वो आप, क्योंकि x तो आपने ऐसे माना है, आपसे पूछा जा रहा है जो कि बताइए कुल कितने पौधे लगाए, तो जिस तरह से प्रश्न में दिया जाए तो उसी तरह आप लिखेंगे।
आप हमने हमने तीन पौधे लगाए। अब आइए दूसरा सवाल चलते हैं। क्या एक्स माइनस तीन और एक्स प्लस अपॉन में बटे एक्स प्लस 5 बराबर में 3/4 एक चर वाले रैखिक समीकरण है? तो इसको पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कैंची गुना कैंची इस तरह से होता है, वज्र गुणन भी कहते हैं इसको। तो ये 4 से इसको गुना करेंगे और 3 से इसको गुना करेंगे बराबर के इस साइड। तो अब देखिए इधर आया, इसको गुना किए तो हो गया 4x माइनस 4 3 12, और इधर हो गया 3 से करेंगे तो 3x प्लस 15। तो x को एक साइड, बिना x को एक साइड ले जाएंगे। यहाँ पे 4 से सबको किया है गुना, इधर वाले को और इधर वाले को 3 से किया है गुना, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 3 15। तो अब इस तरह से संख्या को एक साइड, और जैसे x है x वाले को x वाला एक साइड ले आया तो इधर आ जाएगा, साइड चेंज होता है तो प्लस माइनस में माइनस प्लस में बदल जाता है। तो ये 3x जो है इधर आके घट गया, और इसी तरह यहाँ 15 है, इसका पोजीशन वही है, इधर वाला साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 15 तो एक्स का वैल्यू 27 हो गया। तो एक्स इधर लाएंगे तो एक्स माइनस 27 इजिकल टू 0, तो ये एक्स का पावर घात 1 है। तो 1 घात वाले को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। अब ये दिया हुआ है तीसरा, अब मास के बारे में अगला जो उदाहरण, आपके चौकोर मास का परिमाप 53 सेंटीमीटर है। परिमाप चौकोर माप है, तो यदि इसकी चौड़ाई 9.5 सेंटीमीटर हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई मान लेते हैं एक्स है, तो परिमाप क्या होता है, 2 2 L+B, L+B को जोड़ देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, तो लंबाई यहाँ पे L और प्लस B, तो एक्स प्लस 9.5 को 2 से किए गुना, तो यह हो जाएगा 2 × x + 19। इसको हम भिन्न को उसमें बदलेंगे, पहले इधर आइए करके दिखाते हैं। ये यहाँ पे कह रहा है परिमाप दिया हुआ है, तो x हमने मान लिया जो कि x है लंबाई, और 9.5, तो 9 उसको 2 से गुणा करेंगे, ये होगा परिमाप। तो इसको यदि हम करते हैं तो 2x+ 2 × पहले इसको सही कर ले, 9 × 2 = 18, 1 19/2, 19/2, तो 2 से 2 कट गया, तो आपका हो गया 2x+19, ये परिमाप हो गया। लेकिन प्रश्न से ये परिमाप दिया हुआ है प्रश्नानुसार 53 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे ATQ या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 2x+19 = 53। अब संख्या एक साइड चली जाएगी, तो 2x = 53 में से 19 ये प्लस है तो साइड चेंज होगा, तो इस तरह हो जाएगा। तो अब 19 घटाएंगे 53 में से तो कितना बचेगा, इसको करेंगे तो आपको 34 आएगा, तो 2x = 34, तो x = में क्या हो जाएगा 17, x = में 34/2 यानी 17, तो उसकी लंबाई हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। अब ये था आज का वर्कशीट, हमेशा की तरह आपको करने के लिए इस बार भी दिए गए सवाल। आइए करते हैं सवाल। अब सवाल दिया हुआ है आपको, ये निम्न समीकरणों के कथन लिख बनाइए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। कथन बनाना है x-5 = 0, तो इसमें लिखेंगे किसी संख्या में
किसी पहला है किसी संख्या में पांच जोड़ने पर पांच घटाने पर शून्य प्राप्त होता है। ये पहला हो गया। दूसरा आसान तरीके से बता रहा हूं, यहां पे देखिए प्लस कर रहा है, तो किस ये एक्स का मान मालूम नहीं है, उसमें प्लस 7 कर रहा है, इक्वल टू 40, 40 हो रहा है, तो लिखेंगे किसी संख्या में 7 जोड़ने पर 40 प्राप्त होता है। किसी उसके लिए आपको और भी डाल सकते, किसी संख्या में, या यहाँ पे कहेंगे और भी नाम दे सकते हैं, राम के पास जितने रुपए हैं उसमें 7 जोड़ने पर 40 प्राप्त होता है। तो इस तरह से कई चीज देते हैं, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर 40 प्राप्त होता है। तीसरा तीसरा ये रहा आपका सवाल, 2m+3 इजकल टू 56। तो इसके लिए आप m नहीं पता है तो कोई नाम लेकर के, ये राम के पास जितने कंचे हैं उसको दुगुना करने दुगुन दुगुन दुगुना करके तीन जोड़ने पर 56 कंचे तीन दुगुना तीन कंचे यहाँ पे 56 कंचे प्राप्त होते हैं। इस तरह से आपको ये टॉपिक बना करके दे सकते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे अगले में दो दो चार पद है, तो यहाँ पे लिख ले वाई ही रहने दे, ज्यादा करिए वाई के या एक्स का पांचवा हिस्सा हिस्सा वाई है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है ये, किसी संख्या में तीन घटाने पर तीन घटाने पर 3 घटाने के बाद 6 से भाग देने पर 6 से भाग देने पर 1/2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट, 2x+9 इजकल टू 27। किसी संख्या के दुगुने में 9 जोड़ने पर किसी संख्या के दुगुने में 9 जोड़ने पर
27 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको करके भेजना। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।